उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार रात को मौत हो गई। उसे उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात करीब 8:25 पर जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। 9 डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बांदा जेल में बंद पूरब के माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत पर पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि 20 साल पहले 2004 में मुख्तार अंसारी का समाज चरम पर था। वो उन इलाकों में खुली जीप में घूमता था जहां कर्फ्यू लगा हुआ था। उस समय मैंने एक लाइट मशीन गन बरामद की थी। इससे पहले कोई बरामदगी नहीं हुई थी या उसके बाद मैंने उन पर पोटा भी लगाया, लेकिन मुलायम सरकार उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गए अब तक हुई है। और उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थे। और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रिजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, दो दो दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। स्थिति बदली है, नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि